स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब अकाउंट में जिसका नाम है बहुजन यूट्यूबर। तो साथियों, कुछ दिनों पहले से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की है जो कि जाटव समाज को गालियां दे रही है, मतलब चमार शब्दों का प्रयोग कर रही है। वो लड़की कौन है, कहाँ की है, इसका जब मालूम पड़ा तो उस लड़की ने माफ़ी मांगी है। अपनी माफ़ी में उसने क्या कहा है, तो सबसे पहले तो आप ये सुनिए, पहले उसने बयान क्या दिया था और बाद में सफाई क्या दी है। अब बोलो। मैं मनीष सर को बोल दूंगा ऐसे। बोलो बोलो बोलो। मनीष सर के सामने बोला था एक दिन, मैंने कहा एक दिन मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा सर, मैंने कहा या तो वो थे, अरे वो थे अनमोल सर थे। मैंने कहा यार गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, साला चमार पैदा होना चाहिए था कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाती एटलीस्ट। चमारों को यहाँ बिठा दिया, जनरल वालों को नीचे कर दिया। सर चमार चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। और बेटा कैंटीन गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, काम बहुत करे मैं। मतलब मोदी ये जो बात बोल रहे हैं, टट्टी है केजरीवाल, टट्टी है केजरीवाल। साथियों, अभी आपने सुना वो किस तरह से जब एक जाति विशेष को गालियां दे रही थी और उसके चेहरे पे एक सिकन तलक नहीं थी और वो बोले जा रही थी और उसके जो साथी थे वो उसका समर्थन कर रहे थे। अब बाद में देखिए उसने माफ़ी किस प्रकार मांगी और क्या कहा। सभी को मेरा नमस्कार। कुछ दिनों पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई है जिसका कोई भी किसी जाति धर्म से रिलेटेड नहीं है। वो मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। हम सभी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे, मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। सभी एससी एसटी ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और मजाक मजाक में हमने ये वीडियो बनाई और गलती से मेरे फ्रेंड द्वारा ये वीडियो ग्रुप में डल गई और वहां से वो वायरल हो गई है। किसी को भी इस शब्द से अगर ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। कृपया करके, मैं आप सभी की बेटी हूँ, मेरे वीडियो पर प्लीज ऐसे कोई भी गलत कमेंट्स ना करें जिससे मेरा फ्यूचर खराब हो। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे फेवर में बात करें। सभी साथियों को नमस्कार। मैं मैडम की बातों से सहमत हूँ, मैं किसी भी जाति धर्म पर ठेस, मतलब किसी चीज पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन यह वीडियो में ऐसे गलती से ग्रुप में वायरल हो गई जिसके वजह से मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूं। कृपया करके उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग डिलीट कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग वायरल करें। और सभी मीडिया साथियों से निवेदन है कि उस वीडियो को सभी डिलीट कर दें और आगे ना फैलाएं। धन्यवाद। हम सभी लोग इस बार आपके लिए माफी मांग रहे हैं। अभी आपने देखा वो किस तरह से माफी मांग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज उसे माफ कर देगा। उसने जो गलती की है उसको भुगतना पड़ेगा और तमाम सामाजिक संगठनों ने उस लड़की पर FIR दर्ज कराई है जिसकी उसे सज़ा मिलेगी। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरी अपील है कि किसी भी जाति विशेष किसी भी धर्म के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के धर्म को गालियाँ दें या फिर किसी व्यक्ति विशेष को गालियाँ दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप सपोर्टेड।